देखिए पूरा अमला जमला सड़कों पर उतर रखा है। मैं इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हूँ। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि इंदिरापुरम का है, देख सकते हैं बच्चों के स्कूल जाने का ये टाइम है, बच्चियां स्कूल जा रही हैं और बच्चों के सुरक्षा के लिए ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। यूपी में मन चलो की खैर नहीं, छेड़ोगे तो पुलिस छोड़ेगी नहीं। जी हाँ, वो साल था 2017 जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी और महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया था एंटी रोमियो स्क्वाड। और अब साल 2022 है, दूसरी बार इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम बने और 100 दिन का टारगेट रखा गया है कि 100 दिन में वो उपलब्धियां दिखाएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी में एक्टिव हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हूं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि इंदिरापुरम का है, और स्कूल के वक्त सुबह सुबह की जो परेशानियां होती हैं, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं ड्यूटी पर जाती हैं, कामगार महिलाएं अपने ऑफिस जाती हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से मन चले घूमते हैं या मन चले जो फप्तियां कसते हैं, टिप्पणियां करते हैं, उसी की रोक के लिए यानी महिला सुरक्षा के लिए देखिए पूरा अमला जमला सड़कों पर उतर रखा है। और एंटी रोमियो स्क्वाड जो कि एक्टिव हो चुका है, और एंटी रोमियो स्क्वाड के चलते जो मन चले हैं अब उनकी खैर नहीं। जो मन चले महिलाओं को छेड़ने की कोशिश करते थे या जो मन चले महिलाओं पर टिप्पणी करते थे, उनकी अब ये समझ लीजिए कि खैर नहीं। खुद जो अधिकारी हैं, खुद जो एसआई लेवल के अधिकारी हैं, वो भी एंटी रोमियो स्क्वाड के जो जिनकी टीम गठित हो रखी है, वो टीम स्कूल के आसपास घूम रही है और ऐसे लोगों पर पूरी तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश जारी है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पुलिस की। जो लोग महिलाओं को छेड़ने की कोशिश करते थे या जो लोग महिलाओं पर टिप्पणियां कसते हैं, चाहे वो स्कूल जाने वाली बेटियां हों, बच्चियां हों, चाहे वो नौकरी पेशा महिलाएं हों, लेकिन अब योगी सरकार की दूसरा गठन हो चुका है और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बने हैं और महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा ये कदम है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और देख सकते हैं बच्चों के स्कूल जाने का ये टाइम है, बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं और बच्चों के सुरक्षा के लिए ही एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। पुलिस पूरी से सशक्त है और देख सकते हैं आप पूरी पुलिस टीम सड़कों पर उतर चुकी है। सुबह का ये टाइम है, सुबह सुबह ही ये परेशानियां होती हैं कि आखिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बेटियां स्कूल जाती हैं, जब कॉलेज जाती हैं, या फिर वो महिलाएं, जो महिलाएं सुबह सुबह अपने काम पर जाती है, उन्हीं की सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से योगी सरकार ने एक्टिव कर दिया है। और आज दिन सोमवार का है, सुबह का समय है और सुबह सुबह के समय देखिए महिलाएं ऑफिस जा रही हैं, कोई स्कूल जा रहा है। और जो महिलाएं ऑफिस की तरफ जा रही हैं, ऐसे में जो लोग जो मन चले इन पर फप्तियां कसने की कोशिश करते हैं या फिर मोटरसाइकिल स्कूटर स्कूटी लेके ऐसे चौक चौराहों पर घूमते हैं, उन्हीं को लेकर योगी सरकार की पुलिस सजग है और एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। वो साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शपथ ली थी, उसके बाद महिला सशक्तिकरण को, महिला सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया था। और 2022 में जब फिर से योगी सीएम बने तो वही स्टाइल, वही तेज तर्रार योगी का फैसला, वही मजबूत फैसले के साथ एंटी रोमियो स्क्वाड यानी कि महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरीके से एक्टिव है। और पूरी तरीके से आप ये देखिए, ये सुबह की तस्वीरें हैं, सड़क पर पूरी टीम के साथ महिला सुरक्षा के लेकर पुलिस तैनात है और एसआई रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी तैनात हैं, यानी कि इंस्पेक्टर रैंक के, सब इंस्पेक्टर रैंक के जो पुलिस वाले हैं वो भी तैनात हैं। यानी कि सुबह का समय है, महिला जो है वो ऑफिस जाने की तैयारियां करती हैं। और ऐसे में ही शिकायतें मिलती थी कि महिलाओं पर स्कूटर, मोटरसाइकिल या फिर चौक चौराहों पर जो लड़के हैं वो फप्तियां कसते हैं, उन्हीं पर रोकथाम के लिए, यानी कि बहुत बड़ा ये कदम है योगी आदित्यनाथ का। और अब सीधी सी बात है, छेड़ोगे
तो छोड़ेंगे नहीं। एंटी रोमियो स्क्वाड आपको उठाएगी, आपसे पूछताछ करेगी। यदि बेवजह आप सड़कों पर घूम रहे हैं तो अब आपसे पूरी तरीके से पूछताछ होगी। और सीधी सी बात है, महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी सजग है। यानी कि एंटी रोमियो स्क्वाड, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी और 2022 में भी उसी स्टाइल के साथ, उसी अपने कड़े बड़े फैसलों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव कर दिया है। यानी कि यूपी में सीधी सी बात है, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जो कड़ा फैसला है, उसी को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से यूपी में एक्टिव हो चुका है। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए गाजियाबाद से।